नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाले किसी नए फिल्म, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना जो होते हैं उनके दर्शक, जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए। और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं, जो लेकर एक बार फिर से हाजिर है। आज हम लेकर आए हैं खेसारी लाल यादव के फिल्म के एक ऐसे नए गाने का आईना, जिसके डिमांड फिल्म के टीजर के दौरान से ही थी। दबंग सरकार फिल्म काफ़ी पहले, 2-3 हफ्तों पहले रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में। अभी तक इस फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस फिल्म से जुड़े गानों को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब वही गाने रिलीज होने लगे हैं वीडियो सॉन्ग के रूप में, और इस फिल्म का सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला गाना पागल बनाई बे कारे पतर की पागल बनाई बे का रिलीज हो चुका है वीडियो सॉन्ग के रूप में। तो इस वीडियो सॉन्ग पर दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया मिली है वो आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं, जिसमें हम आपको कुछ आलोचना भरे कमेंट्स भी बताएंगे और कुछ अच्छे कमेंट्स भी बताएंगे। लेकिन वो जानने से पहले आपको इस गाने से जुड़ी एक खास खबर पर डालनी होगी नजर। देखिए, इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जहां अपने फिल्म कुली नंबर 1 की शूटिंग में बिजी हैं, तो हाल ही में उनकी सुपरहिट फिल्म दबंग सरकार का हिट सॉन्ग पागल बनाई बे कारे पतर की का वीडियो सॉन्ग रिलीज किया गया है। इस गाने में अब तक ढेरों व्यूज भी मिल चुके हैं। बता दें कि इस सॉन्ग में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के साथ साथ इस फिल्म में मुख्य किरदार में आकांक्षा अवस्थी भी हैं, और साथ ही साथ ये फिल्म इन दिनों बिहार और झारखंड में काफी ज्यादा धमाल मचा रही है। बता दें कि बिहार झारखंड में धमाल मचाने के साथ साथ इस फिल्म को जल्द ही मुंबई और गुजरात में भी रिलीज किया जाएगा, जिसे देखने के लिए मुंबई और गुजरात में रह रहे खेसारी लाल यादव के फैंस खासा उत्साहित हैं। अब ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि ये फिल्म मुंबई और गुजरात में बिहार और झारखंड जितनी कमाई कर पाती है या नहीं। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। खेसारी लाल का गाना हो और हिट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनके गाने को हिट होने के लिए सिर्फ एक ही दिन का समय चाहिए होता है, और कई बार एक ही दिन में मिलियन मिलियन व्यूज उनके गानों पर आ जाते हैं। लेकिन इन मिलियन वाले व्यूज जो देते हैं, आगे जो शेयर करते हैं, जो आगे उस गाने को बढ़ाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उनके फैन फॉलोअर्स ही हैं। और वही फैन जब गाना रिलीज होता है तो अपने कमेंट के जरिए कैसे खेसारी के गानों को प्यार देते हैं, देखिए जरा। पहला कमेंट है खेसारी रोहित का, जो लिखते हैं, नाइस खेसारी, बिग ब्रदर इज द बेस्ट सिंगर। राम ललित लिखते हैं सुपरहिट सॉन्ग। हीराली लिखते हैं जल्दी 100 मिलियन पार करो, गर्दा उड़ा दिया भाई। सोनू मिश्रा लिखते हैं सुपर सॉन्ग खेसारी लाल यादव जी। ओमकार राउत लिखते हैं इतना दिन से वेट कर रहे थे इस वीडियो का, गजब का वीडियो है, आप कोई नहीं सकेगा दबंग स्टार, थैंक्स फॉर अपलोडिंग काजल जी, नाइस परफॉर्मेंस, लव यू काजल जी। संजय कुमार यादव लिखते हैं तुमसे आगे कोई नहीं है भाई, वीआईपी खेसारी भाई वीडियो नंबर 1 थे। मुकेश कुमार लिखते हैं खेसारी भाई भोजपुरी का बाहुबली है, खेसारी भाई भोजपुरी का नंबर 1 सिंगर एंड एक्टर है। अखिलेश पासवान लिखते हैं नाइस सॉन्ग, खेसारी भाई इज बेस्ट सिंगर एंड कॉमेडियन, हीरो इज भोजपुरी वुड, आई लाइक दिस। आकाश साहू लिखते हैं सुपर सॉन्ग खेसारी भैया जी। धीरेन्द्र प्रताप लिखते हैं तोड़ दो यार सारे रिकॉर्ड, ब्रेक 100 मिलियन जल्दी। शिव रॉक लिखते हैं एक्सेलेंट। सत्या ब्रदर लिखते हैं बस क्या भाई, बम्पर है ना। मोहम्मद अरमान कुरेशी लिखते हैं सुपर सॉन्ग खेसारी लाल यादव। शैलेंद्र यादव लिखते हैं जियो भाई लव यू। निशा कुमारी लिखती हैं नाइस। मिंटू लिखते हैं नाइस वीडियो। ये अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट जानने के बाद आप लोग ये मत सोचिए कि खेसारी लाल की फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता ज़्यादा है तो कोई आलोचना नहीं करता। आलोचना भी होती है और जमकर होती है, लेकिन इस गानों पर थोड़ी कम है और वो भी हम लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं, देखिए। पहला कमेंट है कृष्णा मोहन दुबे का, जो लिखते हैं बहुत अच्छा गाने का कोरियोग्राफी बेकार कर दिया, गंदा कोरियोग्राफर।
पंकज राजपूत लिखते हैं, दूसर हीरोइन लियावा मर्दे एके मिली के धुनले हवा। अनुज मिश्रा लिखते हैं, इता मौगा है। आगे भी इन्होंने ही कमेंट किया है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स लिखते हैं, लाइटनिंग का पूरा पैसा खा गया है, अब कैसे देखूं काजल जी की टांगे। इन्हें गाने सुनने से मन नहीं भरता, ये सिर्फ फिल्मों में और गानों में ढूंढते हैं तो हीरोइनों की टांगे। विकेश शर्मा लिखते हैं, वीडियो का पूरा बेकार कर दिया, पीछे से जो लाइट जल रहा है ठीक से हीरो का चेहरा भी नहीं दिख रहा है। काजल जी खेसारी जी में कोई कमी नहीं है, सुपर सॉन्ग इन डांस। अक्षय कुमार लिखते हैं, और कोई नहीं मिलता क्या, मोटी को ले आते हो। विकास रंजन लिखते हैं, पागल बनाइबे कारे मुठकी। इंद्रेश कुमार लिखते हैं, कारे पागल नजर आवती आई का मुठकी। आदर्श कुमार लिखते हैं, यार सब सही है बट बीच में लाइट काहे लगा दिए हो यार। ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज्यादा लोगों को ये गाना पसंद आया है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और स्टार फिल्म चेहरे नाम हस्ती गाने ट्रेलर का आईना लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।